GST is not levied. Very, very important. GST is on goods and services. बट कुछ चीजों पे जीएसटी नहीं है. सैलरीज जो हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज एंड वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज पे जीएसटी नहीं होता. वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हम उनको कोई गुड और सर्विस नहीं बेच रहे सर. लेकिन वो तो सर्विस रेंडर कर रहे हैं. नहीं, दे आर नॉट सर्विस प्रोवाइडर्स. वो बिजनेस एंटिटी की कैपेसिटी में थोड़ी ना हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. वो तो हमारे एम्प्लॉइज है. तो जो आप एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हो, सैलरीज टू कैश और बैंक की रहेगी. उससे जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है. एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी नहीं होता सर. तब से हम यही सोच रहे थे कि आप हमसे जीएसटी लेते क्यों नहीं. ऐसा तो नहीं सोच रहा था कोई. कोचिंग सेंटर पे होता है, स्कूल और कॉलेजेस पे नहीं होता. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे जीएसटी नहीं होता. हेल्थ सर्विसेज, कंसल्टिंग, कंसल्टिंग पे जीएसटी नहीं होता, ट्रीटमेंट पे हो सकता है. इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं होता, बैंक चार्जेस पे होता है. बट बैंक जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है उस पे जीएसटी इम्पोज कर सकता है. जो इंटरेस्ट है, जैसे ना बैंक लोन लिया, बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट है, कह रहे उस पे जीएसटी नहीं है. बैंक चार्जेस आर लायबल फॉर जीएसटी. तो बैंक चार्जेस, बैंक ने जो सर्विस रेंडर करी, कुछ भी मतलब बैंक चार्जेस अगर हैं तो उस पे जीएसटी होगा. क्रेडिट कार्ड चार्जेस है उस पे जीएसटी होगा. इंटरेस्ट पोर्शन पे जीएसटी नहीं होगा. नॉलेज पॉइंट पे नहीं चाहिए सर इतनी नॉलेज. सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द एम्बेसीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय स्टाफ, स्टाफ ने जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम किया उस पे जीएसटी नहीं होता. तो दिस इज फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. बट इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट, अरे क्वेश्चन आया जर्नलाइज और नीचे दे रखा था रेट ऑफ जीएसटी इज दिस दिस. तो किस किस चीज पे जीएसटी होगा, किस किस चीज पे जीएसटी नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा? टेलीफोन एक्सपेंसेस पे जीएसटी होता है कि नहीं होता? होगा. एक्सेप्शनल लिस्ट में नहीं आता. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. वो आता है, याद है ना, क्लियरली. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर धीरे धीरे पता चलेगा. बिजली के बिल पे जीएसटी नहीं होता, टेलीफोन के बिल पे होता है. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे होगा कि नहीं होगा? होगा. रेंट पे होगा कि नहीं होगा? होगा सर. लेकिन वो तो है ही नहीं. ये वो लिस्ट है जिन पे जीएसटी नहीं होगा. इनके अलावा जो भी सर्विसेज हैं उन सब पे होगा. तो रेंट पे जीएसटी होता है. तो अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना होता है. वो उन्होंने अपने टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने स्लैब्स बना रखे हैं कि रेंट की वैल्यू अगर इसके ऊपर होगी 2,40,000 के ऊपर तो जीएसटी कलेक्ट करना जरूरी है. वो सब अलग चीजें हो गई. हमें क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन बताएगा कि जीएसटी का रेट उस पर इतना है, नहीं बताएगा तो फिर टेक्निकली हमारी नॉलेज होती है कि किस पे जीएसटी लगना है, किस पे जीएसटी नहीं लगना. बट कुछ स्कूल्स में सिंप्लीफिकेशन से क्या कहते हैं कि भाइयों जिस ट्रांजैक्शन के आगे जीएसटी का रेट दे रखा हो ना, सिर्फ उतने पे जीएसटी लगाना, बाकियों पे नहीं लगाना. बट कभी कभी क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन होता है और लास्ट में ना रेट दे रखा होता है कि सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%. अब अपना दिमाग लगाओ कि ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं किन पे जीएसटी लगेगा किन पे नहीं लगेगा. वो तो होता है टॉप मोस्ट लेवल, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना. बट कन्वीनियंस से काफी बार स्कूल में क्या कहते हैं कि हम बता देंगे कौन. हमें ये चेक करना है ना कि आपको वो एंट्री आती कि नहीं आती. हमें ये नहीं चेक करना कि आपको ये भी पता हो कि किस पे जीएसटी लगता है और किस पे नहीं. बट टेक्निकली दैट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स कि ये भी पता होना, क्योंकि बुक का ही तो है सब कि किस पे जीएसटी लगना है, किस पे नहीं लगना, कब सीजीएसटी एसजीएसटी, कब आईजीएसटी. ठीक है, चलो जल्दी से मैं क्लोज करना चाहूंगा. कैपिटल इंट्रोड्यूस, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं. कोई गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी ना बिक रहे हैं, तो कैपिटल तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन नॉर्मल होंगी जिन पे जीएसटी नहीं लग रहा होगा, बाकियों पे लग रहा होगा. जब लगेगा लगाएंगे.